फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने फेसबुक अकाउंट में जो टू वेरिफिकेशन सिक्योरिटी ऑन किए हुए हैं और अपने अकाउंट को जो है लॉगिन कर रहे हैं, अगर आपके पास ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है तो आपके लिए जो ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, तभी आपको जो समझ में आने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं सुबह, आप देख रहे हैं सिपजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही आप जो अपनी आईडी को लॉगिन करते होंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है देखने को मिलता होगा। यहाँ पर जो मैं अपना नंबर और जो है अपना आईडी पासवर्ड जो है डाल करके इसे लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर जो है लॉगिन कोड जो है मांगता है, ओटीपी जो है यहाँ पर डालने को बोलता है। तो यहाँ पर जो मेरे पास कोई भी ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है, जो भी मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल पर है कोई भी ओटीपी जो है रिसीव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा होगा हैपिंग ट्रेवल, तो यहाँ पर जो आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप जो है यहाँ पर जो है क्लिक कर देते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है देखने को मिलता है। तो जैसे अब जो यहाँ पर जो चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, अगर यहाँ पर जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अगर आपको जो है टू वेरिफिकेशन ऐप के थ्रू आपका लगा हुआ है तो यहाँ पर जो केवल तीन ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आपका जो है सिम के जरिए आपका जो है टू वेरिफिकेशन कोड जो है लगा हुआ है, टू वेरिफिकेशन सिक्योरिटी जो है लगी हुई है सिम के जरिए, तो आपको जो है चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पर जो है आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, तो यानी कि जो है मेरे केस में जो है सिम के थ्रू टू वेरिफिकेशन कोड जो है सिम के थ्रू लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर जो है इसे जो है कट कर देता हूँ, इसे यहाँ पर जो ऐसे ही छोड़ देता हूँ और इसे जो कट करके फेसबुक के ओरिजिनल जो ऑफिशियल जो है ऐप को जो है लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर जो किसी भी आप अपने फ्रेंड के या फिर किसी भी अपने रिलेटिव के अकाउंट को जो है लॉगिन करके यहाँ पर जो आपको थ्री लाइन के बटन पर जो है क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो आपको सेकंड के बटन पर जो है जैसे जो क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो देखने को मिलता है। यहाँ पर जो इस तरीके से यहाँ पर जैसे आप जो आ जाते हैं पर्सनल सेटिंग में, आपको जो है चले जाना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। जैसे आप जो आ जाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके के आपको जो इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपको मैनेज कॉन्टैक्ट्स इन्फो, यहाँ पर जो मैनेज कॉन्टैक्ट इन्फो में आपको जो है चले जाना है। यहाँ पर जो है पहले से ही आपके जो मोबाइल नंबर है जो है ईमेल आईडी पड़ी रही होंगी। तो यहाँ पर जो आपको नीचे की तरफ देखने को मिल रहा होगा ऐड फोन नंबर, तो यहाँ पर जो है आपको ऐड फोन नंबर के बटन पर जो है क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप जो है ऐड फोन नंबर के बटन पर जैसे आप जो क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो आपको वही मोबाइल नंबर आपको जो एंटर करना है जो भी आपके अकाउंट में जो है रजिस्टर्ड था। तो यहाँ पर जैसे आप जो उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर जो एंटर करते हैं तो आपको कंटिन्यू के बटन पर जो है क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये मोबाइल नंबर इसी मोबाइल नंबर की सिम जो है इसी फोन में जो है पहले से पड़ी हुई होनी चाहिए, तभी आपका जो है ये जो है वर्क करने वाला है। तो जैसे ही आप जो है यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो कंफर्मिंग योर फोन नंबर, तो जैसे ही यहाँ पर जो है कंफर्मिंग योर फोन नंबर जो है क्लिक कर देते हैं तो आपको जो है यहाँ पर कोई भी ओटीपी रिसीव नहीं होता है। जी फ्रेंड, आपके मोबाइल के एल्गोरिथम के हिसाब से जो है डिटेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर जो आपका जैसे ही इस अकाउंट में जो मोबाइल नंबर ऐड हो जाता है तो यहाँ पर जो आपको क्लोज के बटन पर जैसे आप जो क्लिक कर देते हैं, इसके बाद जो आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में दोबारा से चले आना है। तो जैसे आप जो गूगल क्रोम ब्राउजर में जैसे आप जो चले आते हैं, इसे जो है मैं लॉग आउट कर देता हूँ, इसे जो पहले से लॉग इन करके रखा हुआ था उसे जो है लॉग आउट करके रख देता हूँ। तो यहाँ पर जो उसी नंबर को और उसी पासवर्ड को द्वारा से एंटर करने की कोशिश करता हूँ और लॉग इन के बटन पर जैसे ही आप जो है क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर जो देखने को मिला होगा डायरेक्टली ये जो मेरा अकाउंट ओपन हो रहा है। और यहाँ पर जो आपको कोई भी ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है, तो आपको इस वीडियो में कुछ थोड़ा सा भी आपको जो है थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।